दोस्तों, मैं हूं आपका भाई मुस्तफा अब्बासी। आज मैं अपनी ज़मीन पर हूं और हमें लगा रहे कलम और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। वो तरीका मैं दिखाता हूं कैसे लगाने हैं और इसका तरीका आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। और दिन बशीर फूड फार्म ने दो ये मेरे नाम पे आ चुका है। अब इसको हम इनबॉक्स करेंगे, देखते हैं। अलग अलग जैसे कलम अलग अलग तरीके से पैक किए हुए हैं। सर दिन पश्चिम साहब ने भेजे और इनके कलम आ चुके हैं। आज ही हम इनको लगाएंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। दुआ में रखेगा तो को बाद में कभी इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हल्दी को इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारे पास पड़ी हुई है। हम आज इस्तेमाल करेंगे शहद को और दालचीनी को। इसका हमें मशवरा दिया गया है, इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं हम इसमें कितने कामयाब होते हैं। वो मैंने मंगवा लिए, हल्दी भी किसी कहीं लगाएंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ी तो नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहेंगे हल्दी भी लगाते हैं, उसका भी पैटर्न अच्छा होता है। चलिए हम लगाना शुरू करते हैं। हमने काट कर लगाना शुरू कर दिया, दिखाते हैं आपको। ये इसमें पैसे डाल के शहद में इसका एक तरफ काटा जाता है, जैसे मैं काट के दिखाऊंगा अभी। और इसके बाद इसमें इस तरह ये लगा कर ये आप ये एंटी फंगस है और इसमें फंगस नहीं लगेगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएंगे। इसको ऐसे कर देते हैं, ये एक पैटर्न है, ठीक है। सुराख निकाल लेंगे, ये देख लें बन रहे हैं ना इस तरह, तो आगे आसान आराम से अंदर चली जाए। इसको इसके साथ शहद नीचे चला जाए और दालचीनी या कोई मसाला होगा एंटी फंगस जो होगा वो चला जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरह ये हम उनको नीचे तराश रहे हैं इस तरह और फिर शहद में लगा के और दालचीनी के पाउडर भी लगा लेते हैं ताकि इनकी ग्रोथ अच्छी हो, फंगस ना लगे और अल्लाह करेगा नहीं लगेगा। अभी देख ले, ये टेढ़ी है, इसको हम इसको ऐसे काट लेंगे ताकि नहीं कटे भी होंगे। ऐसे क्या होगा कि इसको नमी भी मिलेगी और इंशाल्लाह सेट भी हो जाएगा ये काम। हम इसके ऊपर प्लास्टिक कवर दे देंगे पानी लगा के, ताकि रात को शबनम गिरती है या धुंध होता है उसका इस पर कोई इफेक्ट ना हो। हमने इसको चारों तरफ से बंद कर लिया है मिट्टी से। इसका पानी जो हम देंगे वो बाहर ना निकले ताकि इसमें सैलाब रहे और उस सैलाब का असर भी रहेगा कुछ टाइम के लिए, बहुत अच्छे नमूने से इंशाल्लाह। ये हम प्लास्टिक लेके आए 2 मीटर है और इसके ऊपर लगा लेंगे ज़बरदस्त और इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास हो जाएगा। ये चारों तरफ से बंद हो जाएगी और आप देख लेना इसमें कोई मसला नहीं है। प्लास्टिक खरीदो,
पानी खाया पड़ा अरे पानी ये इसको पानी इस तरह चाहिए कि ये पूरे गीले हो जाए पहला पानी ज़्यादा देना पड़ेगा ताकि इसमें जो नमी भी हो और ये नीचे से पानी देना पड़ेगा ये दे रहा है ये नीचे पानी जाएगा ताकि खुश्क ना रहे आपने देख लिया जो नीचे पानी था और वो भी इसको काम करेगा ऊपर वाला पानी भी काम करेगा इंशाल्लाह ये मिट्टी गीली नमी रहेगी इसमें और अच्छा खासा इसका जो उगाने का प्रोसेस है जल्दी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा अगर पानी बाहर निकलेगा तो इससे मछली खराबी पैदा होगी बस बस और वो खुश्क हो जाएगा पौधा या इसमें जो प्लास्टिक लगी हुई है उसमें खुश्क हो जाएगी वो कम उगते हैं और इंशाल्लाह हम लोगों ने बेहतर किया है और अभी इसको पानी हमने लगा दिया है प्लास्टिक का कवर लगा लेंगे प्लास्टिक का कवर लगा लेंगे आप देख लें किस तरह लगाते हैं सबको चाहू का सबको बंद कर लेंगे उसके रात को सुबह का पूरा किया था ना ये रखो ये मत इधर छोड़ करना रख भाई इतने सही आदमी है मत ये रखना कि ठीक है जी ये थोड़ा सा बाहर रख थोड़ा वो बाहर लगा रहे हैं ये पास में नीचे कल जमीन का रचन हमने बीच में लकड़ी भी दे दी है और आप देख लो और माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो गया इसमें अब ये नीचे भी नहीं जाएगी और इसमें हवा भी कम जाएगी इसमें दोस्तों आपने देखा आज हमने कलम लगाए और शॉपर की थैलियों में और उसको इस तरह देखा बेटा को इस तरह शॉपर में बंद कर लिया हमने और इंशाल्लाह ये जल्दी उग जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा और ये तरीका भी आप देख लें और आप भी सीख लें मैं भी सीख रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को और दुआ में रखिएगा अल्लाह हाफिज़